अब खबरें विस्तार से। पगड़ी रस्म और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज से राज्य स्तरीय हमीर उत्सव का आगाज हो गया है। उपायुक्त कार्यालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पगड़ी पहनाने के बाद शहर में शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई, जिसमें खुली जीप में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर, विधायक नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बाद में शिव मंदिर परिसर में जाकर विधिवत पूजा अर्चना करके हमीर उत्सव का शुभारम्भ किया गया। पगड़ी रस्म और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज से राज्य स्तरीय हमीर उत्सव का आगाज हो गया है। उपायुक्त कार्यालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पगड़ी पहनाने के बाद शहर में शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई, जिसमें खुली जीप में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर, विधायक नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी ने लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। बाद में शिव मंदिर परिसर में जाकर विधिवत पूजा अर्चना करके हमीर उत्सव का शुभारंभ किया गया। राज्य स्तरीय हमीर उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दीप प्रज्वलित करके उत्सव का शुभारंभ किया तो हमीर पत्रिका का भी विमोचन किया। पहली सांस्कृतिक संध्या में स्टार कलाकार पंजाबी सूफी गायक कंवर पाल सिंह ग्रेवाल ने अपनी सुरीली आवाज से जादू बिखेरा और दर्शकों ने भी सूफी गानों का लुफ्त उठाया। ग्रेवाल ने मस्त बना देंगे बीबा गाना गाकर जनता को नाचने पर मजबूर कर दिया तो और भी सूफी गाने सुनाकर माहौल को मस्त बना दिया। इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां देकर लोगों का मनोरंजन किया। राज्य स्तरीय हमीर उत्सव की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बधाई दी और कहा कि हमीर उत्सव हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी संस्कृति को मजबूत करने के लिए उत्सव मनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुरानी संस्कृति को बचाने के लिए सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है। एक बार फिर हमीर उत्सव के इस अवसर पर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सभी हमीरपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये त्यौहार बहुत उत्साह के साथ हर वर्ष यहाँ पर मनाया जाता है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश की संस्कृति को भी मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाता है। और ऐसे में मैं सभी हमीरपुर वासियों को आज के इस अवसर पर, हमीर उत्सव के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।